गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप अच्छे ही होंगे। बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। बच्चे मेरे अभी दोनों सो रहे हैं और आयांश आज रात भर नहीं सोया, ना मैं सोई ना वो सोया। मतलब 10-10 मिनट पे उठाया वो, फिर सुबह के टाइम हमने उसको नेबुलाइजर किया एंड अब जाके सोया है। सुबह 7 बजे से सोया है वो, क्योंकि 6:30 बजे हमने उसको नेबुलाइजर किया था, फिर अभी उठ गया था। फिर उसको सुला के तब आई हूँ मैं और अभी चाय वाय बन रही है। तब तक मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और ये और मैं तो उठ गए क्योंकि इनका तो ऑफिस होता है, तो उठना ही था। और अभी मेड भी आएगी तो काम वाम कराना है। और मेरा आ रहा है अभी क्या, एक कोरियर, तो दिखाती हूँ मैं आपको उसमें क्या आएगा। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि इसमें क्या आएगा। एंड सर्दी भी बहुत हो रही है वैसे अभी, मतलब धूप तो क्या, पर फॉग थोड़ा कम हो गया उस साइड, खाली जगह वहाँ दिख रहा है, बट बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी है। जब तक जरूरी ना हो तब तक तो घर में ही रहो भाई, कहीं निकलने की हिम्मत भी नहीं है। तो बस मिलते हैं आपसे, चाय वाय पीते हैं एंड मिलते हैं आपसे। घर की थोड़ी सुबह सुबह की साफ़ सफाई होती है तो वही मैं मतलब बात भी करती जा रही हूँ और वो भी करती जा रही हूँ। तो बस यही है और यहाँ पे बन रही है चाय। चाय अभी बॉयल होएगी, अभी रखी है तो थोड़ी देर बॉयल होगी और तब तक हम पी लेंगे अपना गर्म पानी। गर्म पानी नींबू डाल के, ये नींबू गर्म पानी और इसमें हनी डाल के, तो तब तक हम लोग ये पी लेते हैं। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आयांश ना आज रात भर नहीं सोया है, इसको शायद ना कंजेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ पे इसको अब सुबह सुबह हम लोग नेबुलाइजर कर रहे हैं। अब सो जाएगा शायद ही। अभी आयांश भी उठ गया है, याशी भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, हेलो। और आज ये रात को सोया ही नहीं ठीक से ना, अभी सुबह सुबह सो के आए हो ना, अब मम्मा तो सो भी नहीं पाई है ना। गोलगप्पा, मेरा गोलगप्पा। चलो गुड्डू आप। यहाँ पे करेले बन के हो गए हैं रेडी और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अमचूर, खट्टे अच्छे लगते हैं ये, तो थोड़ा सा और डालेंगे इसमें अमचूर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि गर्मियों में आप इसमें कच्चा आम भी डाल सकते हो। यहाँ पे एक मैं बनाऊंगी दाल, ये मसूर की धुली हुई दाल है, यहाँ पे इसकी उसके लिए तड़के के लिए तैयारी हो गई है। और अभी ये बंद करके फटाफट से बना लेते हैं दाल। अभी हो गए हम नहा के रेडी, मैं भी नहा ली, याशी भी नहा ली, आयु भी नहा लिया और थोड़ी सी धूप निकली थी तो मैंने आयु को भी नहला दिया, तो बस सब नहा लिए। ये रह गए हैं अभी, ये कर रहे हैं अपना ऑफिस का काम, ये फ्री होंगे तो ये भी नहाएंगे। और याशी यहाँ पे अपना खेल रही है कुछ, अपना पूरा कुछ जो भी इसके बनाती रहती है चीज़ें, मेकअप का रबर बैंड, हेयर बैंड, क्लिप्स, वो सारे बॉक्स में बंद कर लिए। और अभी मेरे को लगानी है मशीन, इतने सारे कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, अभी मैं लगाने जा रही हूँ मशीन। तो थोड़ी सी धूप तो आ गई है, तो अभी यहाँ पे आया आयुष हो गया, तो मैंने उसको धूप नहीं लगा पाई क्योंकि इतनी तेज़ नहीं है, थोड़ी हवा भी है, तो मैंने सोचा कहीं धूप लगाने के चक्कर में उसको ठंड लग जाए। और थोड़ा सा रूम गर्म कर लिया था, रूम हीटर चला के तब मैंने उसको कपड़े पहनाए थे, तो मतलब थोड़ा सा गर्म हो गया था। और ये हेयर बैंड जो यासी ने बनाया था कल, तो ये आज मेरे स्वेटर में मैच कर रहा था, तो मैंने ये पहन लिया है। कोई बात नहीं, आप ग्रीन ही पहन लो, येलो कलर का नहीं है इसलिए ये ग्रीन पहनेगी। तो बस अभी फटाफट से, अभी ऐसी का काम नहीं हुआ है, ऐसी का काम करना है, और मैं फटाफट से लगा देती हूँ मशीन। और 1 बज गया, फिर करेंगे लंच, फिर जो है तैयारी मैंने कर दी है, दाल बना दी है, करेले बना दिए, अब मेरे को रोटी बनानी है बस। तो फटाफट से यांश और मैं खा रहे हैं यहाँ पे धूपी धूपी, धूप सेक रहे हैं, धूप धूप सेक रहे हैं ना आप, धूप हल्की सी धूप निकल रही, ज़्यादा तेज़ नहीं है, धूपी सेकेगा, धूपी
धूपी धूपी धूपी धूपी धूपी धूपी धूपी, बहुत हल्की धूप निकल रही है और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई है। अच्छी डुलकुम डुलकुम लेगा। तो यहाँ पे लंच हो गया है रेडी। दाल, ये रात की सब्जी बची हुई थी, ये करेले, सैलेड थी, और इन्होंने ना अपने लिए घी मंगाया है अलग से, काओ घी, और देखते हैं कैसा है। और कह रहे हैं कि ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा, और कोई नहीं खाएगा यहाँ पे। आप ही खाओगे बस, ये लो ले आए हो। हाँ जी बेटा जी, खाना खाओगे, खाना खाओगे, खाना खाओगे आप? किससे खाओगे? दाल चे खाओगे आप? दाल चे रोटी खाओगे? याशी आओ बेटा, वो वहाँ पे रूम में है, यहाँ पे रोटी ये है याशी की थाली, और मैं याशी को दे देती हूँ। और याशी अभी आयांश को लेके बैठी है वैसे तो, पर खाना खाएगी। गुड, उसको लेटा दो आप और आप खा लो। तो यहाँ पे लग गई है मेरी थाली, और मीन वाइल मैंने ये सारा जब तक रोटी बनी थी पूरा क्लीन कर दिया है। ये बर्तन भी अभी उधर पे चली गई है, तो यहाँ पे पूरा क्लीन हो गया है। और अभी मैं खा लेती हूँ खाना। ये है, मेरे को ना खाना खाने के बाद मीठा कुछ चाहिए होता है, तो ये है गाजर का हलवा। और ये अभी मैं इस पर घी लगाऊंगी, इनका वाला घी लगा के देखूंगी कैसा है, तो मैं भी चेक करती हूँ कैसा घी है। और ये वहाँ पे खा रहे हैं। यहाँ पे आया है मेरा कोरियर जो मैंने मंगाया था, और अभी इसको कर लेते हैं ओपन और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है ये मेरा, सॉरी अभी मैंने टैग नहीं निकाला, बाई चांस रिटर्न करना पड़ा तो। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका पूरा लुक। तो अभी याची की बना देते हैं यहाँ पे चौटी। रखना जब तक ढूंढने को कुछ नहीं करती हूँ, लगाने के लिए सिर्फ वैसे तो ऑयल डाल दूंगा, ऑयल नहीं डालता, स्क्रंची हमारा लेंगे हम। अच्छा क्लिप लगाना चाहिए हेयर बैंड, क्लिप लगा लो सारा चोटी में बिना बाल निकाले। बाल निकाल ही करूँगी फिर तो, हेयर बैंड ही अच्छा लगता है। ये वाली क्लिप है इसकी मैचिंग के, पता नहीं हम आज ये वाला। वैसे सारी छोटी पर मेरे को तो वो वाली छोटी अच्छा लगता है, दाल निकल के देखते हैं इसके लगा के देखते हैं एक बार। हम दोनों स्क्रंची स्क्रंची बन गए, स्क्रंचन स्क्रंचन। चलो अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, स्क्रंची माँ बेटी। आयान सो रहा है तो मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, रात को भी नहीं सोया था वो, तो मैं भी नहीं सो पाई थी। तो हम है स्क्रंची माँ बेटी। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे फिर, बाय 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 बाय। अरे ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है, अभी रात का रहेगा सीन। मैं अभी याशी को ट्यूशन से लेके आई हूँ, और बहुत ठंड हो रही है। अयांश अपने पापा के पास था, और दिखाती हूँ अयांश और पापा उसके क्या कर रहे हैं। गुड्डू गिर जाओगे बेटा, देखो लड़के को इंग्लिश मूवी दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओहो नीनू भी आ रही है भैया को, तो यहाँ पे ये ना इसको मूवी दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बबल्स भी फुला रहे हो आप। आलू बोंडा, कौन सी मूवी दिखा रहे हो आप इसको? द मेनू। आप देख रहे हो वो रो रहा, उसको अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग। अच्छा बंद हो गई थी, अच्छा ठीक है चला दी उन्होंने, वो पॉज कर दिया तो रोने लग गया। आ जाओ मम्मा पास आ जाओ। तो फाइनली आज हमारी खिचड़ी बन गई है डिनर में। यहाँ पे याशी की खिचड़ी है, मैंने बहुत प्लेन सी खिचड़ी बनाई है, और मैंने बोला कुछ भी नहीं डालूंगी, पर मैंने थोड़ी सी मटर और टमाटर तो डाल दिया था, और इसलिए याशी बोल रही है प्लेन प्लेन बोला था और डाल दिया, ये सारी चीज़ें खाती नहीं है ना इसलिए। तो बस अभी आज हम खिचड़ी खाएंगे डिनर में, और याशी तो खुश है, उसको बस रोटी ही नहीं मिले बाकी कुछ भी दे दो, याशी तो खुश है क्योंकि उसको सिर्फ रोटी रोटी से परेशानी है, चावल खिचड़ी और बाहर का तो आप कुछ भी दे दो जो मर्जी वो सब खा लेती है। और यहाँ पे ये ना मेरे साथ कंपटीशन में डाइटिंग पे, तो इन्होंने तो बिल्कुल इतनी सी खिचड़ी ली है, बिल्कुल इतनी सी, देखो खड़े हो गए इतनी सी। यहाँ पे आयांश खेल रहा है, पापा को देख रहा है, पापा को देख रहे हो आप?
खड़े खड़े इतनी इतनी सी ली है कि वो खड़े खड़े ही खाली बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। एक्चुअली हम दोनों आजकल डाइटिंग पे, मेरा ना मतलब प्रेगनेंसी में और आफ्टर प्रेगनेंसी काफी वेट बढ़ गया है। मैं कितना हाँ। तो मेरे को ना अपना वेट कम करना है। लास्ट ईयर ही तो मैंने कम किया था अपना वेट, फिर से बढ़ गया मेरा वेट, तो वही मेरे को वेट कम करना है। इसलिए मैं मतलब मैं भी थोड़ी सी खाऊंगी बस। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे डिनर के बाद। दीदी को पढ़ाई करा देंगे अब। हाँ दीदी की पढ़ाई का टाइम है, आप खेली मेली कर लेना फिर। ठीक है कर लूंगी आप खेली मेली। हाँ दीदी को पढ़ाई करा देगी मम्मा। हाँ पढ़ा देगी दीदी को मम्मा। फिर आप बड़े हो जाओगे तो आपको दीदी पढ़ाएगी। हाँ फिर आपको दीदी पढ़ा देगी। थोड़ा थोड़ा तो मैं दीदी को पढ़ा दू। दीदी क्या कर रही है? दीदी दिख गई आपको? दीदी आपको दिख गई है? हाँ दीदी गुंडा है, मेरा लाला है, सलोना है, ये बात करता है मेरा भैया ओगू। हाँ आपको दीदी दिख रही है? आपको फोन दिख रहा है? क्या कर रही है दीदी? बोला मेरा भोला है भंडारी। तो यहाँ पे अभी हम कर लेते हैं गुड नाइट। अभी मेरे को याशी को पढ़ाना है। यहाँ पे याशी को अभी मैं स्टडी कराऊंगी, कोई भी बुक रीड कराऊंगी। और यहाँ पे अयांश सोएगा, अयान सब सोएगा, इसको सुला देते हैं और थोड़ी देर याशी को पढ़ा देते हैं। और मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और लाइक करना, कमेंट्स करना एंड शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने भी अभी तक नहीं किया है। और मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग का। बाय बाय, गुड नाइट।